बयानों पर धर्म की राजनीति तेज हो जाती है तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर FIR दर्ज हो गई है। आरोप रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल की तरफ इशारा करके सांकेतिक रूप से तीर चलाने का है। आपका जो परमिशन आज का था वो कैंसिल किया गया, सुना है कि MIM पार्टी को वहां पर बाद में परमिशन दिया गया, पहले आपने अप्लाई किया था, इस पर बताइए। हाँ जी, कल रात में मुझे पता चला है कि हमारा आज का पदयात्रा का परमिशन कैंसिल किया गया है और हमारे ऊपर एक गलत FIR भी दर्ज किया गया है। हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमको थोड़ा सा भी नहीं हिला सकते आप, कतई भी नहीं हिला सकते आप। और इस प्रकार के घिनौने हरकतें कर आप हमें और मजबूत बना रहे हो, और बलवान बना रहे हो, और जिद्दी बना रहे हो आप। अब तक तो हम सिर्फ मोहल्लों के गंदगी के बारे में बात करें, अब हम उस गंदगी को बाहर लाएंगे जिस गंदगी में अपने खुद अपनी एक कौम के अपने मजहब के जो जमीन हड़पे आप, उस गंदगी को बाहर ला रहे हैं हम। आज से एक 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 सच बाहर लाएंगे। इसी डर से इतना धड़केगा दिल उनका। मैडम, आपके क्लैरिफिकेशन के बाद ये केस बुक किया गया, इसको कैसे देखते हैं? वही तो कह रही हूँ ना, ना इंसाफी इधर। अरे हम तो कुछ नहीं है जबाज, क्योंकि हम तो अपोजिशन पार्टी के हैं, हम हिंदू हैं।